स्वागत है दोस्तों आपके YouTube चैनल लवफिश शेतकरी में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमीकासिन इंजेक्शन के बारे में। अमीकासिन जो इंजेक्शन होता है ये आईपी के द्वारा यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के अंतर्गत ये प्रिपेयर किया जाता है, जो कि दोस्तों ये क्या होता है 100 mg में आती है, 250 mg में आती है, 500 mg में आती है। ये एक अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होती है। बात करेंगे जो अमीकासिन होता है किस तरह के इन्फेक्शन में दिया जाता है, कितनी मात्रा में देनी चाहिए, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या सावधानी होनी चाहिए इसको लेने से पहले, ठीक है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार जरूर दिखाएं। अमीकासिन जो इंजेक्शन होता है इसका पहला जो यूज होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है, यानी कि अगर आपके शरीर में क्या होता है बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है, जैसे आपको क्या होता है लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स इन्फेक्शन में क्या होता है जैसे निमोनिया हो जाता है, बैक्टीरिया फैलने लगते हैं हमारे फेफड़े में, पानी भरने लगता है, ठीक है, अब्सेस हो जाती है हमारे फेफड़े में, तो ऐसी कंडीशन में लंग्स इन्फेक्शन निमोनिया के कंडीशन में अमीकासिन इंजेक्शन जो होता है काफी फायदेमंद होता है और दिया जाता है इसके इलाज के लिए, ठीक है। दूसरा जो होता है दोस्तों यूटीआई इन्फेक्शन में दिया जाता है। यूटीआई इन्फेक्शन क्या होता है, जिसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं, जैसे कि जो हमारा मूत्र मार्ग होता है, जो हमारी क्या होता है भाई जहां ब्लेडर होता है, जहां यूरेटर होता है, वहां बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, हमारे यूटीआई से क्या होता है भाई ब्लड आने लगते हैं, ठीक है, यूरिन आने लगते हैं इन्फेक्शन की वजह से, और हमारा यूरिन ठीक से पास नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तीसरा जो इसका यूज होता है दोस्तों मेनिंजाइटिस में किया जाता है। मेनिंजाइटिस क्या होता है, हमारे ब्रेन का एक क्या होता है पार्ट होता है, जो हमारे ब्रेन होते हैं, ये हमारा ब्रेन होता है, इसके चारों तरफ क्या होता है भाई एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, तो उस मेम्ब्रेन में क्या होता है भाई इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में मेनिंजाइटिस की कंडीशन में अमीकासिन का यूज किया जाता है। जो पेशेंट क्या होता है भाई हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं, हॉस्पिटलाइज रहते हैं, बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक यानी कि अमीकासिन जो होता है काफी फायदेमंद होता है। बहुत से एंटीबायोटिक जो होते हैं रेजिस्टेंस हो जाते हैं बैक्टीरिया के खिलाफ, नहीं काम करते हैं, तो अमीकासिन वहां बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा जिनको क्या होता है भाई बोन इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से संक्रमण हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप अमीकासिन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आपके क्या होता है भाई एब्डोमिनल में क्या होता है इन्फेक्शन हो जाता है, आपके आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है, आईबीएस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो अमीकासिन होता है काफी इफेक्टिव और काफी बेस्ट रिजल्ट देता है। तो ये रहे दोस्तों अमीकासिन के यूजेस के बारे में, बेनिफिट के बारे में। अमीकासिन जो इंजेक्शन होता है ये गर्भवती महिला को नहीं देना है, क्योंकि जो बच्चा गर्भ में पल रहा होता है उनमें क्या होता है भाई टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। बात करें दोस्तों जो महिला बच्चे को दूध पिलाती है तो उनमें सेफ है, लेकिन अपने डॉक्टर से संपर्क करके उनके सुपरविजन में ही इसका यूज करें। इसके डोज के बारे में बात करें तो आपको 15 mg/kg के हिसाब से देना होता है, जैसे कि क्या होता है भाई जो बॉडी वेट होता है पेशेंट का उसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करके देना होता है, ठीक है। तो आप 100 mg, 250 mg पेशेंट के क्या होता है भाई इन्फेक्शन के जो संक्रमण होता है किस तरह का संक्रमण है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है, ठीक है। याद रहे आपको 1.5 ग्राम यानी कि 1.5 ग्राम से ज्यादा पर डे नहीं देना है, ठीक है, वरना कई ऐसे हार्मफुल इफेक्ट बॉडी में बढ़ सकते हैं। अमीकासिन जो इंजेक्शन होता है इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि आप जिस जगह लगाते हैं जैसे आप मसल्स में लगाते हैं या फिर आप क्या होता है नसों में डायरेक्ट देते हैं तो वहां क्या होता है सूजन हो सकती है, वहां इचिंग भी हो सकती है या पेन भी हो सकता है इसके साइड इफेक्ट की वजह से, या फिर आपके जो स्किन होते हैं या लिप्स जो होते हैं यानी आपके जो होंठ होते हैं वो ब्लूइश हो सकते हैं, आपके ब्लड में क्या होता है भाई यूरिया का लेवल बढ़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो अमीकासिन इंजेक्शन होता है इसके साइड इफेक्ट की वजह से आपका जो यूरिन आउटपुट होता है वो भी स्लो हो सकता है, तो ये कुछ साइड इफेक्ट होते हैं अमीकासिन इंजेक्शन के। तो ये रही पूरी जानकारी अमीकासिन इंजेक्शन के बारे में। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।